वेलकम टू योर ओन चैनल मनीफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, ये है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का लोगो, जिसे SGX कहा जाता है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का एक्स। और ये उसके दो बिल्डिंग है, इसमें से एक बिल्डिंग आप इस इमेज में देख सकते हो जो लिखा हुआ है Center 1। इसके अलावा एक और बिल्डिंग है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं है, ना सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के लोगों में है। हमारा इंटरेस्ट जो है वो है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले निफ्टी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले निफ्टी में। दोस्तों, अभी आप बोलेंगे कि कल ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था निफ्टी 50 का, जिसमें बताया गया था निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 NSE में ट्रेड होता है, और निफ्टी 50 क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्यों कैसे निफ्टी 50 को चूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे ये कौन सा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी ट्रेड होता है और क्यों होता है वहाँ पर ट्रेड, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत कुछ आपको नया सीखने मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी हम अपना नया वीडियो पोस्ट करें। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले निफ्टी के बारे में, जिसे SGX निफ्टी कहा जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं हम आज किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला SGX निफ्टी होता क्या है, और ये निफ्टी सिंगापुर एक्सचेंज में क्यों ट्रेड हो रहा है, इसके अलावा कौन कौन है जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये जो निफ्टी NSE में ट्रेड होती है ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड होती है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। इसके अलावा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेड की टाइमिंग्स क्या है और इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है इंडियन मार्केट पे। इसके अलावा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले निफ्टी का इम्पैक्ट क्या है, रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, पहले सबसे पहला जो सवाल ये है कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला SGX निफ्टी ये एक्चुअली है क्या। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ निफ्टी 50 जो NSE में ट्रेड होता है उसी का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, जो NSE में ना होके सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ डेरिवेटिव्स के फॉर्म में ट्रेड होता है, इक्विटी के फॉर्म में नहीं होता है। डेरिवेटिव्स का मतलब ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का मोस्ट पॉपुलर ट्रेडेड स्टॉक है, इसकी वजह से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट्स कमाता है, और इसी चक्कर में सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और NSE के बीच में कुछ तनातनी भी थी कुछ साल पहले, जो 2018 में रिजॉल्व कर लिया गया है। इसके अलावा इस सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी हाई वॉल्यूम्स में ट्रेड होता है कंपेयर टू NSE। NSE जबकि आपको मैंने बताया था BSE और NSE का वीडियो में कि NSE में ज़्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड होता है, तो SGX में उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है। ये कैसे होता है इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना समझिए कि ज़्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड होता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने BSE और NSE का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। कौन लोग हैं जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ये बेसिकली उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है, जैसे कि FIIs या फिर कोई और इन्वेस्टर्स जिनके पास प्रॉपर लाइसेंसेस हो, जो इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं और उससे ज़रूरी लाइसेंसेस रखते हों। ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया के बाहर भी निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। क्या हम इंडियंस SGX निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका सीधा जवाब है एब्सोल्युटली नो, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम NRI हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप किस कंट्री में रह रहे हो, वहाँ के ट्रेडिंग के रूल्स क्या है। इसके अलावा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में जब निफ्टी ट्रेड होती है और NSE में ट्रेड होती है उसमें फ़र्क क्या है, इस फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और ये NSE। NSE में जो करेंसी में ट्रेड होती है वो है इंडियन रुपीज़, इंडियन नेशनल रुपी INR।
और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में जो जिस करेंसी में ट्रेड होता है, जो कॉमनली मोस्ट कंट्रीज में ट्रेड होता है, वो है यूएस डॉलर। दोस्तों एनएसई में जो फ्यूचर डेरिवेटिव्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, एक एक लॉट का होता है। तो ये एक लॉट कैसे डिसाइड होता है, जैसे कि एनएसई में आप अगर जानते होंगे, जो लोग जानते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में, जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ। एक लॉट 75 शेयर्स का होता है। और 75 क्यों होता है, क्योंकि डॉलर का स्टैंडर्ड रेट 75 पकड़ा जाता है, उस हिसाब से 75 लॉट का एक शेयर्स होता है। और किसी भी स्टॉक का एक लॉट मतलब 75 इंटू उस स्टॉक का वैल्यू। तो सेम वे में निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट का एनएसई वैल्यू में, एनएसई में उसका वैल्यू होता है 1 लॉट इक्वल टू 75 इंटू निफ्टी का वैल्यू। तो 1 लॉट मतलब 75 इंटू निफ्टी का वैल्यू जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था वो है 12,720। इसका टोटल वैल्यू होता है 9,54,000, ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपया। अब समझने की कोशिश करते हैं, यही निफ्टी 50 जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे डिसाइड होता है। यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिसाइड करने के तरीके में। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि डॉलर में ट्रेड होता है, तो उसका एक लॉट का वैल्यू होता है 2 US डॉलर इंटू निफ्टी की जो वैल्यू है वो। तो इसका मतलब एक लॉट का साइज़ होता है तो उसका 2 इंटू, क्योंकि हम डॉलर का रेट 75 पकड़ते हैं, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट 75 के हिसाब से, और इंडियन डेरिवेटिव है ये, एनएसई का प्रोडक्ट है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी। तो ये इसलिए इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 इंटू 75 किया जाता है, क्योंकि 75 का स्टैंडर्ड रेट गिना जाता है डॉलर का इंडिया में। तो 2 इंटू 75 इंटू करंट जो वैल्यू है निफ्टी की वो है 12,720। तो इसका अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे दोस्तों, 75 इंटू 12,720 का वैल्यू होता है 9,54,000। और यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, 75 इंटू 12,720। तो जिसका इसको रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू से, तो ये हुआ 2 इंटू 9,54,000। तो मतलब आप इसमें क्लियरली देख सकते हो, यहाँ एक लॉट का वैल्यू है 9,54,000 और यहाँ पे एक लॉट का है 2 इंटू 9,54,000, मतलब डबल वैल्यू है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ निफ्टी इन सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज इज डबल दैट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होता है उससे डबल वैल्यू है। तो जब वैल्यू डबल है तो डेफिनेटली जो ट्रेडर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें, FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो ये क्यों नहीं करना चाहेंगे। आप और मैं भी होते तो ज़रूर NSE की जगह सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ही करते, अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो जब ज़्यादा उसमें करने की कोशिश करेंगे ट्रेड, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली उसमें ह्यूज वॉल्यूम्स में ट्रेड होता होगा। ट्रेड ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, इसीलिए मैंने आपको कहा था इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, ये उसका क्लियर कट इंडिकेशन है। दोस्तों आप समझने की कोशिश करते हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के टाइमिंग्स क्या है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में 2 सेशन में ट्रेडिंग होती है, एक होता है मॉर्निंग सेशन, दूसरा होता है इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन को कहा जाता है टी सेशन और इवनिंग सेशन को कहा जाता है T+1 सेशन। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, सिंगापुर में टाइमिंग जो है वो इंडियन टाइम्स के हिसाब से 2.5 घंटा आगे है सिंगापुर। अब ये देख लेते हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के एग्जैक्टली टाइमिंग्स क्या है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का जो पहला सेशन है मॉर्निंग का, वो है टी सेशन। उसमें आप देख सकते हैं 10 मिनट का एक प्री सेशन होता है, प्री ओपन सेशन, जो 10 मिनट का होता है 8:50 से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद जो एक्चुअल मार्केट शुरू होती है वो है 9 बजे और ख़त्म होती है शाम के 6:10 पे। तो अगर आप इसको इंडियन टाइम के हिसाब से कंपेयर करोगे तो इंडियन मार्केट खुलती है 9:15 और 3:30 पे ख़त्म हो जाती है। तो करीब करीब 3 घंटा ये हमसे ज़्यादा चलता है ट्रेडिंग आवर्स में। अब इसी टाइमिंग को अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करें, क्योंकि ये 2.5 घंटा आगे है, तो 9:00 जब वहाँ मार्केट ओपन होती है तब इंडिया के 6:30 होते हैं सुबह के, जब हम में से काफ़ी लोग उठे भी नहीं होते हैं। और मार्केट हमारी ख़त्म होती है 3:30 पे और उनका मार्केट ख़त्म होता है 3:40 पे, मतलब हमसे भी 10 मिनट ज़्यादा और ट्रेड करते हो। इस एक सेशन पहले सेशन के बाद एक 20 मिनट का ब्रेक होता है, गैप होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे इसमें
सेकंड सेशन जो T+1 इवनिंग का सेशन होता है, उसमें भी 10 मिनट का एक प्री ओपन सेशन होता है। तो आप देखोगे पिछला सेशन कब ख़त्म हुआ था, 6:10 पे। इसके बाद 20 मिनट, मतलब 6:30 पे, आपको शायद, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, 6:30 पे ये पहला सेकंड सेशन उसका शुरू होता है। और 6:40 पे 10 मिनट का ये सेशन होता है, ये ख़त्म होता है। उसके बाद सेकंड सेशन जो एक्चुअल शुरू होता है वो होता है 6:40 पे और ख़त्म होता है रात के 2:45 2:45 AM रात के 2:45 ये ख़त्म होता है। तो आप समझ सकते हैं कितने देर तक ये चलता है। इसको अगर आप इंडियन टाइम के हिसाब से कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट 3:30 बंद होती है, उसके बाद उसके करीब 40 मिनट बाद ही मार्केट शुरू होती है उनकी वापस, और इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 12:15 तक ये मार्केट चलती है। तो अगर आप देखो इंडियन मार्केट 8:45 से रात को और दोपहर को 3:30 तक चलती है, इसका मतलब ये करीब करीब 6 घंटे चलते हैं। सवा छः घंटा चलता है। और यही अगर आप इसको कंपेयर करो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज से, तो ये 6:15 तो छोड़ो, कम से कम 16 घंटा के आसपास चलता है। और सिर्फ 6:15 का तो सिर्फ ब्रेक लेता है वो, और 16 घंटे ऑपरेट करता है। तो समझिए कितने वॉल्यूम्स में उसमें ट्रेड होता होगा, कि ज़्यादा ट्रेडिंग आवर्स है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोग अक्सर भूल जाते हो लाइक करने में। अब देखते हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले निफ्टी का इम्पैक्ट क्या है इंडियन मार्केट्स में। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और मिस हो गया पिछले इसमें, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं इनको जब भी मार्केट में कुछ सेटलमेंट करना होता है, सपोज अगर वो 3:30 इंडियन मार्केट में सेटलमेंट नहीं कर पाए किसी कारण से, तो वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग आवर्स ज़्यादा है और सेकंड सेशन भी है। तो इसलिए ये उनको बहुत ही फ़ायदा होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इसलिए वो उसमें ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक फैसिलिटी दी गई है कि आप यहाँ का ट्रेड वहाँ पर क्लोज कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा आप समझते हैं इंडियन मार्केट में SGX निफ्टी का इम्पैक्ट क्या है। तो दोस्तों SGX निफ्टी डिसाइड करता है इंडियन मार्केट जब ओपन होती है सुबह, तो इंडियन मार्केट का ओपनिंग सेंटिमेंट डिसाइड करता है कि मूड पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा ये एक ब्रॉड आइडिया देता है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा या फिर फ्लैट मार्केट ओपन होगा। दोस्तों ये गैप अप और गैप डाउन क्या है इसको भी हम समझेंगे, इस पर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, बहुत जल्द बनाऊंगा इस पर। इसके अलावा SGX निफ्टी के हिसाब से इंडियन प्री मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी 15 मिनट का प्री ओपन सेशन होता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। तो इस प्री ओपन मार्केट में कुछ ट्रेडिंग जो की जाती है वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी के वैल्यू को और इंडियन निफ्टी के वैल्यू को सिंक में लाने के लिए उस हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी जो इंडिया में ट्रेड होती है, इन दोनों का वैल्यू आइडियली तो सेम होना चाहिए, बट सेम होता नहीं है। अक्सर आप देखोगे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग सेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लंबे समय के लिए रहता है, तो उसके हिसाब से उसमें वैल्यू हमेशा उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, और इंडियन मार्केट की निफ्टी की वैल्यू थोड़ा हमेशा कम होती है। बट हमेशा इसमें कोशिश रहती है कि दोनों आसपास रहे, एकदम सिंक में आ जाए। तो क्या होता है कि जब इंडियन मार्केट क्लोज हो चुकी होती है और उसके बाद भी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट में वहाँ पर ट्रेडिंग चालू होती है, तो कभी मार्केट बढ़ गई है, कभी मार्केट कम हो गई, तो उस हिसाब से उसमें समझो अगर बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली वैल्यू उसकी बढ़ गई होती है, थोड़ा ज़्यादा हो गया होता है इंडियन मार्केट के क्लोजिंग के हिसाब से। तो उसको उसी हिसाब से प्री ओपन मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ताकि उसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सिंक में लाया जाए। इसके अलावा कहाँ हम SGX निफ्टी की एक्यूरेट डेटा को हम ट्रैक कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हो, लेकिन कई बार आपको उसमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें लैगिंग डेटा होगा
स्पेसिफिक टाइम तक ही उसमें अपडेट होता है या फिर 15 मिनट डिलेड होता है। सबसे बेस्ट साइट है www.moneycontrol.com। इसमें आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा, अप टू डेट मिलेगा और एकदम प्रॉपरली सिंक डेटा मिलेगा ऑनलाइन, बिल्कुल भी डिले नहीं होता इसमें। इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं।